It's your boy. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज हम लोग जा रहे हैं वाह गार्डन में। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं और ये उमेश भाई हम दोनों निकल आए हैं, और आगे जाके हम लोगों ने अशफल को पिक करना है, और इसके बाद हम आपको वाह गार्डन में जाके। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। के पास हम लोग पहुंच गए हैं, अभी हम लोगों ने जाना है सीधा वाह गार्डन। अरे वाह, तुम तो बड़े ड्राइवर भाई। वाह गार्डन में तो हम लोग पहुंच गए हैं। ये देखें सारा, ये व्यू है इधर का वाह गार्डन का। ये इधर सारा व्यू है इस तरह का। इधर आगे तालाब है जहां पे बच्चे नहा रहे हैं, और यहां पे एरिया ये बंद है, इसमें मछलियां वगैरह हैं, और यहां पे इसमें नाना वगैरह मना है, इसमें तभी ये जंगला लगा हुआ है। जैसा कि ये लिखा हुआ भी है यहाँ पर कि यहाँ पर नाना सब मना है। वहाँ ऊपर उस बोर्ड पे भी लिखा हुआ है नाना मना है, तो इस वजह से यहाँ पे कोई भी नहीं नहा रहा, वो उस वाले अगले वाले तालाब में सारे नहा रहे हैं। और ये पूरे वहाँ के में भी सप्लाई होगा। चश्मे का पानी बिल्कुल ठंडा और बिल्कुल साफ पानी है, जैसा कि उमेश भाई यहाँ पे पी रहे हैं पानी को, और अशबल भाई यहाँ पे फ्रेश हो रहे हैं। गर्मी की वजह से इनकी भी बुरी हालत हुई हुई थी। तो ये दोस्तों तालाब का व्यू था। पानी तो खैर गंदे ही है साइडों पे, लेकिन व्यू बहुत अच्छा है इसका। प्लान तो हमारे भी था इसके अंदर नहाने का, पर ये पानी की हालत देख के अब बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। ये इन बेवकूफ़ों का आप देखें किस तरह पागलों की तरह ये लोग नहा रहे हैं, इतने गंदे पानी में। वो वहाँ पे जो मैंने आपको पहले दिखाया था चश्मा, उस चश्मे से ना पानी पहले इस वाले तालाब में जाता है जो सामने आगे बंदे खड़े हुए हैं, तीन बंदे जहाँ पे खड़े हैं उस तालाब में जाता है, उस तालाब से फिर इस तालाब के अंदर आता है, यहाँ इस तालाब से फिर इस जगह से ये पानी बाहर इस तरफ निकल जाता है। जैसा कि दोस्तों आपने हमारा हॉरर हाउस वाला तो व्लॉग देखे ही है, ये हमारा ये तो वाह गार्डन में, यहाँ से अंदर हुए यहाँ से बाहर आ गए। वाह भाई, ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। लेकिन बाहर हम सांस बंद करके आए हैं, अंदर बड़ी सुन। लेकिन एक सेकंड, स्मेल थी, ये क्या है सर? ये तो थैंक यू। तो ये पुराने वक्त की सारी कंस्ट्रक्शन हुई है, जिसकी दीवार इतनी मोटी थी जिसकी कोई याद नहीं। आजकल तो 13 इंच की दीवार होती है, लेकिन इनकी दीवारें इतनी मोटी और इतनी मज़बूत थी। और जैसा कि मैं अभी आपको ऊपर से व्यू दिखाता हूँ इसकी दीवार का। दोस्तों ये इसके ऊपर का दीवार का व्यू था,
तो यहाँ से अगर देखा जाए तो दीवारों का व्यू, दीवारें कितनी बड़ी बड़ी हैं, यहाँ पे इजी बंदा चाल फिर सकता है। और ये उधर लपाट का बाग था पीछे, बाग था ये, पता नहीं किस लोगों का बाग है, तो ये तो लोगों के बाग थे। यहाँ पे अगर देखा जाए तो दीवार बंदा इजी भाग सकता है, इतनी मोटी इसकी दीवार है। मुग़ल शाही हमाम और मुग़ल बरादरी, ये उनके पुराने वक्तों की कंस्ट्रक्शन हुई हुई थी, जिसकी मैंने आपको पीछे भी दिखाया था, इतनी मोटी मोटी इनकी दीवारें थी। वैसे तो 9 इंच की दीवार चल जाती है, लेकिन इनकी काफ़ी मोटी अच्छी खासी और मज़बूत दीवारें थी। और ये कंस्ट्रक्शन आज से तकरीबन कितने साल पहले की ये कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, और अभी तक ये उसी तरह मज़बूत, और इसकी स्ट्रेंथ वगैरह, इसकी एबिलिटी, इसकी हार्डनेस वगैरह किसी चीज़ में कुछ फ़र्क नहीं आया, और इसके मजबूती एक्यूरेट है उस टाइम तक। ये शाही हमाम था। दोस्तों ये हसन अब्दाल की पहाड़ी थी, तो इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट व्लॉग इसमें आ रहा है, उम्मीद है कि आप सबको पसंद आएगा। मुग़ल वाह गार्डन से तो हम लोग अभी निकल गए हैं, अभी हम लोग बस तैयार हैं जाने के लिए, अभी बैरियर 3 में आपको जाके मिलते हैं। बैरियर 3 तो हम लोग पहुंच गए हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। आज के व्लॉग के लिए इतना ही था, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, आज के लिए इतना ही, ओके अल्लाह हाफिज़। आज के व्लॉग के लिए इतना ही है, उम्मीद है आपको व्लॉग हमारा पसंद आएगा।